गंधर्व सैनिक तो बाहर आ गए, किंतु इनका सेनापति तावमुख और पुष्कल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी देखता हूं इन्हें। दिव्य भाले तो अब भी आ रहे हैं, देखता हूं कहां से प्रहार हो रहा है। तो ये तावमुख का ही काम है, अब तुम नहीं बच पाओगे तावमुख मुझसे। भैया सबको सावधान कर दीजिए, पर्वत टूट रहे हैं। बस प्रहार रोक दो। बस शिलाएं तो हमारी ओर ही आ रही हैं। इन शिलाओं को तो रोकना होगा। जय श्री राम। अद्भुत है हनुमान। संकटमोचन महाबली हनुमान। सावधान, तावमुख पुनः प्रहार कर रहा है। पुष्कल, बस बहुत हो गई तुम सबकी वीरता। स्मरण रखो, तुम्हारा राजकुमार पुष्कल मेरा बंदी है, जिसे कहके ही राज्य में ही गुप्त रूप से भूमिगत करके रखा हुआ है मैंने। यहाँ का राजा युद्धजीत भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। कायर एक बालक को ढाल बना रहा है। चिल्लाओ मत, तुम्हारी छोटी सी भी भूल पुष्कल के जीवन के अंत का कारण बन सकती है। अब सुनो, यदि तुम्हें पुष्कल चाहिए तो युद्धजीत को एकाकी निशस्त्र मेरे राजभवन में भेज दो। बस बस भरत, मेरे कारण पहले ही आप सब पर बहुत संकट आ चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि पुष्कल या किसी और पर अब कोई और संकट आए। यदि मेरे कारण पुष्कल का तनिक भी अहित हुआ तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बस अब आप लोग मुझे
जाने की अनुमति दीजिए। आप सत्य कह रहे हैं, आपके समर्पण के बिना वो पुष्कल को मुक्त नहीं करेंगे, और यदि हमने युद्ध किया तो कदाचित पुष्कल का जीवन ही संकट में पड़ सकता है। अतः पुष्कल की सुरक्षा के लिए आपको गंधर्वों को सौंपना अनिवार्य हो गया है। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। अब स्थितियां विधान के अनुसार निर्मित हो गई हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मण का होगा देह त्याग और कारण बनेगा श्री राम का वचन। गंधर्वों का सेनापति तावमुख बहुत क्रूर है। युद्धजीत जी, यदि हमने आपको उसे नहीं सौंपा तो कदाचित हम पुष्कल को नहीं बचा पाएंगे। परंतु हनुमान, ये अनुचित है। भरत भैया, यदि पुष्कल को बचाना है तो मात्र एक ही उपाय है इस समय। युद्धजीत जी, आपको जाना ही होगा। लक्ष्मण, हमें ऋषिवर के साथ एकांत चाहिए। जो आज्ञा भैया। और हाँ, ये ध्यान रखना, जब तक ऋषिवर अपनी वार्तालाप पूर्ण करके किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं देते, इस कक्ष में कोई भी प्रवेश ना करे। वचन देता हूँ भैया, मैं किसी को भीतर नहीं आने दूंगा और न ही स्वयं आकर वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करूंगा। स्मरण रहे, ऋषिवर की इच्छा अनुसार जो भी हमारी वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा। मैं स्मरण रखूंगा भैया। न जाने क्यों मेरा मन आशंकित हो रहा है। ये कठिन घड़ी है दोनों के लिए। श्री राम ने हर निर्णय में लक्ष्मण को अपने साथ रखा है, और सदैव परछाई के समान श्री राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण उन्हें एकाकी कैसे छोड़ सकते हैं। मैं भैया राम का अनुज ही नहीं, सदैव परछाई के समान उनके साथ रहने वाला उनका सेवक भी हूं। फिर ऐसा क्या है जो मुझे इस संदेश से पृथक रखा जा रहा है? क्या हो सकता है इसके पीछे? मैं तो लक्ष्मण को कभी विलग नहीं करना चाहता, किंतु ऋषिवर की इच्छा भी नहीं टाल सकता। ना जाने ऐसा कौन सा विशेष संदेश लाए हैं ऋषिवर। रघुवंशियों से सहायता मांगने गए थे युद्धजीत, उल्टे पांव लौट आए अपनी मृत्यु के मुख में। भरत, तावमुख जितना धूर्त है उतना ही चतुर भी है, उसे मूर्ख बनाना इतना सहज नहीं होगा। हनुमान की युक्ति की यदि उसे भनक लगी तो वो पुष्कल को जीवित नहीं छोड़ेगा। मामा श्री, संकट से मुक्ति दिलाने वाले संकट मोचन है हमारे महाबली हनुमान, वो हमारे पुष्कल पर कोई भी संकट नहीं आने देंगे।
आश्चर्य है, अपनी मृत्यु से इसे कोई भय नहीं। अयोध्या से लौटने पर अकस्मात ही ऐसा आत्मविश्वास। इसे तनिक भी शंका नहीं होने दूंगा मैं, अन्यथा पुष्कल संकट में पड़ जाएगा। मृत्यु को समीप देखते ही खो बैठे सारा आत्मविश्वास, भयभीत हो उठे। सैनिकों, बंदी बना लो इसे और ले चलो इसे गंधर्व राज दिव्य हस्त के समक्ष। एक बार पुष्कल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए फिर बताता हूं तुम्हें गंधर्वों कि तुम जैसे दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये कौन सा स्थान है? जय हो गंधर्वराज दिव्य हस्त। आपका बंदी कैके नरेश युद्धजीत आपके समक्ष प्रस्तुत है। अयोध्या गए थे रघुवंशियों की शरण में, सोचा रावण और शतानन का वध करके वो महाबली हो गए। तुम्हारी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे तुम्हारी। हम राक्षस नहीं, हम गंधर्व हैं। गंधर्व, वो गंधर्व जो दिव्य शक्तियों के साथ ही मायावी शक्तियों से भी संपन्न होते हैं। जो रघुवंशी अपने ही राजकुमार पुष्कर की सहायता ना कर सके वो तुम्हारी रक्षा क्या करते? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि अपनी मृत्यु अर्थात महान गंधर्व राज दिव्य हस्त से बच जाओगे? पुष्कर के बारे में अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया, इसीलिए शांत हूँ, अन्यथा। ये है मेरा हस्त, दिव्य हस्त, जिसका सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। बताइए ऋषिवर, आपने मुझसे इतना बड़ा वचन लिया है, अवश्य ही आप मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए होंगे। हाँ श्रीराम। संदेश तो महत्वपूर्ण है ही, एवं आपके नर अवतार के लिए ये अंतिम संदेश है। अंतिम संदेश? हाँ प्रभु, संदेश देने के पूर्व मैं अपने वास्तविक रूप को धारण करता हूं। यमदेव, आप? क्षमा करें प्रभु, आपसे भेंट करने के लिए मुझे छद्म रूप धारण करना पड़ा, अन्यथा हनुमान को यदि ज्ञात होता कि हम यहां पर आए हैं तो आपसे भेंट करना तो दूर, हमें वो एक क्षण भी यहां ठहरने नहीं देते। हे प्रभु, आपकी दिव्य माया से ही संसार की रचना हुई है, आपके परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप के नाभि कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए, उनके पुत्र ऋषिवर मरीचि से महर्षि कश्यप और उनसे सूर्यदेव, और प्रभु सूर्यदेव से मेरा जन्म। प्रभु इस प्रकार हम सब आप ही के संतान हैं। नारायण नारायण,
प्रभु श्री राम के वापस लौटने का समय जैसे जैसे समीप आ रहा है, वैसे वैसे ना जाने मन क्यों व्याकुल हो रहा है। ना जाने प्रभु नारायण के इस नर रूप को पुनः देखने का अवसर कब प्राप्त होगा। हाँ देवर्षि, किंतु मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब देवता इतने व्याकुल हैं, तो जब प्रभु के धरती छोड़ने के बारे में उनके परम भक्त हनुमान को ज्ञात होगा तो उनके हृदय पर क्या बीतेगी। सत्य कहा आपने वरुण देव, श्री राम को अपना सर्वस्व त्यागने वाले, यहाँ तक कि अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हनुमान के लिए श्री राम का बिछो तो असंभव ही होगा। ये दुष्ट मुझे कितना भी उकसाए, किंतु अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए मुझे संयम रखना ही होगा। उन गंधर्वों को कठोर उत्तर देकर पुष्कल और कैकेयी राज्य को उनके बंधन से मुक्त कराना होगा। अब तुम्हारी मृत्यु होगी युद्धजीत, और जिन रघुवंशियों ने तुम्हारा साथ देने का प्रयत्न किया है ना, उन्हें भी सीख देने के लिए इस पुष्कल की भी मृत्यु होगी। पितामह, ये आपको भी यहाँ ले आए, कैसे? अयोध्या में हनुमान जी, काश्री महाराज राम, पिताश्री और अन्य सबके होते हुए भी अयोध्या में सब कुशल तो है ना? बस बस, अधिक उतावला होने की आवश्यकता नहीं है, उनकी नहीं अपनी चिंता करो रघुवंशी। सर्वप्रथम तुम्हारे पिताश्री के मामा के समक्ष तुम्हारा अंत करूंगा मैं, फिर उन्हें भी भेजूंगा यमलोक। अब पुष्कल मेरे समक्ष है, इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। गंधर्व राज दिव्य हस्त, जय श्री राम। ये तो हनुमान है, इसे हमारी दुर्बलता ज्ञात है। सखा, पुष्कर, आश्चर्य है, मेरी वज्र मुष्टिका के प्रहार के बाद भी यहाँ का ऊपरी पटल नहीं टूटा, कैसा है यह स्थान? आप सृष्टि के संरक्षक एवं पालनहार हैं। मत्स्य अवतार लेकर आपने सृष्टि को प्रलय जल से उबारा, कुर्म अवतार लेकर आपने देवताओं को समुद्र मंथन में सहयोग किया, और मोहिनी रूप धारण कर आपने अमृत को असुरों के हाथों में पड़ने से बचाया। सृष्टि के संचालक देवताओं को आपने अमृत बांटकर रक्षित किया। वराह अवतार धारण कर आपने पृथ्वी को रसातल के अंधकार से निकालकर उसका उद्धार किया। नरसिंह अवतार धारण करके आपने भक्ति की शक्ति को दर्शाया। प्रभु जग को बताया कि सृष्टि के कण कण में भगवान है। वामन रूप धारण कर दैत्य सम्राट बलि को पाताल में पहुंचाया। परशुराम अवतार धारण करके अहंकारी भूपालों का दमन किया। प्रभु, और अब रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित धरती के उद्धार के लिए आपने ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार धारण किया, धर्म की स्थापना की, राजधर्म, सत्य एवं वचन की मर्यादा को स्थापित किया। हे श्री राम, अब आपके इस नर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। ये क्या, अकस्मात ही मेरा हृदय व्याकुल क्यों हो उठा? हनुमान जी,
आपको क्या हो गया था हनुमान जी? मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कुमार पुष्कल, मेरे जिस हृदय में प्रभु श्री राम का वास है वो हृदय न जाने क्यों व्याकुल हो रहा है। किंतु पुष्कल, अभी यहां से शीघ्र निकलना आवश्यक है। हनुमान, तुमने गंधर्वों की शक्ति को कम समझने की भूल की है। यहाँ की सारी दीवारें गंधर्व शक्ति से रक्षित है, जिसे कोई भी बाह्य शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। हाँ, यहां से निकलने के बारे में सोचना भी मूर्खता होगी हनुमान। तुम्हारे छल ने स्वयं तुम्हें हमारे जाल में फंसा दिया है। अब क्या कह जाए हनुमान जी, है कोई अन्य युक्ति? पुष्कल को यहां से बाहर निकालने के लिए मुझे अति शीघ्र कोई युक्ति सोचनी होगी। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। युक्ति के आगे बड़ी से बड़ी शक्ति भी विफल हो सकती है, इसलिए व्यक्ति को सूझबूझ के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए।